हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि दालचीनी के बारे में। कई लोग समझते हैं दाल और चीनी को मिलाकर दालचीनी बन गया। नहीं, यह एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि पुराने समय से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कीमती है। आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियों में दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे औषधीय गुणों से भरी हुई होती है यह। बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। पुराने समय में यह इजिप्ट में तो सोने से भी ज़्यादा कीमत लिए हुए होती थी और चांदी से भी 15 गुना ज़्यादा कीमती है। रोम में पुराने समय से ही मिलती आ रही है। तो पुराने समय से ही यह एक बहुत ही कीमती औषधि है, क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण मौजूद होते हैं, इसलिए इसकी मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। दालचीनी वास्तव में एक पेड़ की छाल होती है। दालचीनी का पेड़ साउथ इंडिया में हमारे केरला कर्नाटका के एरिया में मिलता है। इसके पेड़ 60 फुट तक लंबे हो जाते हैं। श्रीलंका भी इसका काफ़ी अच्छा आयात होता है। श्रीलंका से भी बहुत सारी जो दालचीनी है वो भारत में सप्लाई होती है। जो इसका पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है, जब वो पुरानी हो जाती है उसको उतार लेते हैं, उसमें से बहुत अच्छी गंध आती है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, उसको औषध रूप में प्रयोग किया जाता है। दालचीनी के पौधे की जो छाल होती है उसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसके अंदर कैलोरीज की बात करें तो इसके एक चम्मच के अंदर 6 कैलोरीज तक होती हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट एक चम्मच में 2 ग्राम के आसपास होता है। कैल्शियम 26 मिलीग्राम के पास होता है। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन मिनरल्स इससे भरे हुए होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। इसीलिए भारतीय रसोई में मसालों में छोंक लगाने के लिए अक्सर दालचीनी के पाउडर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आयुर्वेद की तो बहुत सारी दवाओं में, इवन च्यवनप्राश के निर्माण में भी दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। बाद में हम प्रक्षेप के रूप में च्यवनप्राश में भी दालचीनी डालते हैं। अगर हम इसके फायदों की बात करते हैं तो यह बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की हम बात करते हैं तो प्लांट सोर्सेज में तो यह नंबर 1 में माना जाता है, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसलिए इसका सेवन बिना समय झुर्रियाँ आना, चेहरे पर झाइयाँ आना, बुढ़ापे आने को रोकता है, शरीर में फ्री रेडिकल्स के बनने को कम करता है, जिस कारण कैंसर के खतरे को भी है कम करता है। शुगर के मरीजों के लिए दालचीनी बहुत फायदेमंद है। शुगर के मरीज अक्सर पूछते हैं कौन सी औषधियाँ हमारे लिए फायदेमंद है। दालचीनी का पाउडर है, आधा आधा चम्मच सुबह शाम लिया जाता है। रेगुलर प्रयोग से देखा जाता है कि इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में आनी शुरू होती है, तो शरीर में कमजोरी भी नहीं आती। बहुत सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा होते हैं, तो दालचीनी का पाउडर शुगर के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यह हमारी हार्ट की मसल्स को भी स्ट्रेंथ देता है, हार्ट हेल्दी रहता है और शरीर में बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी इससे कम होता है। हमारे हाजमे को यह दुरुस्त रखता है। जिनको भूख कम लगती है तो यह एपेटाइजर का काम करता है, भूख को बढ़ाता है। दीपन पाचनीय इसमें प्रॉपर्टीज होती है। आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो इसकी तासीर गर्म होती है और यह थोड़ा सा मिठास और थोड़ा सा कड़ुआपन दोनों गुण लिए हुए होता है, जिस कारण यह भूख को बढ़ाता है, हमारे एंजाइम्स का सिक्रीशन बढ़ा देता है, जिस कारण खाया पिया ठीक से हजम होता है। इसीलिए अक्सर भारतीय रसोई में मसालों में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह हमारे हाजमे को दुरुस्त रखता है। श्वसन तंत्र के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। जिनको खांसी जुकाम नज़ले की दिक्कत होती है, बार बार खांसी जुकाम होता है, बहुत सारी खांसी जुकाम के लिए प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे सीतोपलादी के अंदर भी दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। च्यवनप्राश है जो कि खांसी जुकाम में बहुत फायदेमंद है, उसमें भी दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। सिनेमम टी बनाकर लोग लेते हैं। हाँ, इसको लेते समय ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत समय तक उस चाय को उबालते रहते हैं। उबालने से इसके औषधीय तत्व खत्म हो जाते हैं। इसको तो आखिर में आप थोड़ा सा स्प्रिंकल करो, इसको ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है। ओवर कुक करने से भी इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी आप दालचीनी का निर्माण का कोई भी आप फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी ज़्यादा कुकिंग में ना करें, उससे इसकी औषधीय मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कम हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो कि अगर हम गर्म करते हैं तो उससे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, आप हर्बल
ड्रिंक में आप सिनेमम टी बना रहे हैं या किसी भी फॉर्म में आप औषधियों में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी इसको बिल्कुल आखिरी में डाला जाता है। इवन च्यवनप्राश बनाते समय भी जब हम बिल्कुल तैयार हो जाता है लास्ट में इसका पाउडर डालते हैं। बेटर रहता है कि आप इसका पाउडर बना लें और उसके बाद इस्तेमाल करें। मार्केट से बना बनाया पाउडर आप ना लें क्योंकि ज़्यादा पुराना होने पर या इसमें मिलावट ज़्यादा हो जाती है, इसलिए खुद से लाकर आप सिनेमम को खुद मिक्सी में ग्राइंड करें उसके बाद आप इस्तेमाल करें। घर में आसानी से मिक्सी में ग्राइंड हो जाता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद है। यह वजन को कम करती है। बड़ी इलायची आप 3-4 ले लें, 100 ग्राम दालचीनी ले लें, दोनों को पीस लें, पाउडर बना लें, उसके बाद उस पाउडर को आधा आधा चम्मच सुबह शाम लिया जाता है। उससे देखा जाता है खाने के बाद इस्तेमाल करने से पेट हाजमा ठीक होता है, बढ़ा हुआ फैट है वो कम होना शुरू हो जाता है। रेगुलर आप अगर डाइट कंट्रोल करते हैं 1 महीने में ही आपको इसका काफ़ी अंतर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो यह बढ़े हुए फैट को वेट लॉस में काफ़ी मदद करता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गायनी की भी बहुत सारी प्रॉब्लम स्त्री रोगों में यह बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल PCOD PCOS की समस्या लेडीज़ में बहुत ज़्यादा आ रही है। मेंसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होने लग गया है। महिलाओं के मासिक धर्म बहुत अनियमित होने लग गए हैं। PCOD की दिक्कत बहुत कॉमन हो गई है, उसमें भी दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद है। दालचीनी का पाउडर जिनको PCOD की समस्या रहती है, जिसमें कि महिलाओं के मैंसेज काफ़ी लेट आते हैं या मासिक धर्म में ज़्यादा दर्द होता है, तो ऐसे में इस सिनेमम की दालचीनी की चाय बनाकर ली जा सकती है। आपको अगर मैंसेज में पेन ज़्यादा है तो उन 5-6 दिनों के दौरान आप दालचीनी की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है सिनेमम पाउडर है रेगुलर भी जिनको PCOD की दिक्कत है, मैंसेज लेट आते हैं, उसमें आप इस्तेमाल करा सकती हैं। आधा चम्मच के आसपास आप इसका प्रतिदिन खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम, उससे देखा जाता है PCOD की समस्या दूर होती है। त्वचा रोगों में भी यह बहुत फायदेमंद है। पुराना दाद हो गया है, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हो गए हैं, उसमें बड़े बड़े दाद चकते बन गए हैं, उसमें भी दालचीनी का पाउडर बना लें, शहद मिलाकर अगर दाद वाली जगह पर लगाया जाता है यह पाउडर का पेस्ट, उससे देखा जाता है कि जो दाद है धीरे धीरे प्रयोग से ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा है। वायरस के अटैक के समय भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। आज वायरस का दौर चल रहा है, दुनिया महामारी से जूझ रही है, ऐसे में आयुष काढ़ा है काफ़ी फेमस भी रहा है आयुष मंत्रालय के द्वारा, उसमें भी दालचीनी का प्रयोग किया गया क्योंकि यह बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ लिए होती है। आपको बार बार सर्दी खांसी जुकाम वायरस का अटैक हो रहा है, बार बार फीवर हो रहा है, तो ऐसे में दालचीनी का प्रयोग किया जाए। आप हर्बल ड्रिंक के रूप में पाउडर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं रेगुलर, तो उससे देखा जाता है यह काफ़ी फायदा देती है। हाँ, इसमें ध्यान रखना है लंबे समय तक आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना, आपको 1-1.5 महीने के बाद 15 दिन का ब्रेक कर देना है, उस समय इस्तेमाल करें। दालचीनी दांत के दर्द के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। जिनको दांत में दर्द रहता है, ऐसे में कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है घर में कुछ भी मौजूद नहीं होता, तो दालचीनी को आप थोड़े से सरसों के तेल में पका लें दालचीनी के पाउडर को, उसके बाद उसको रुई साफ कॉटन लेके उसका फाहा भर के अगर हम दुखते हुए दांत में रखते हैं, दालचीनी बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ लिए होती है, पेन किलर का काम करती है, तो वहाँ दुखते हुए दांत में अगर इसके पाउडर से पका हुआ तेल का फाहा अगर हम रखते हैं तो उसमें काफ़ी फायदा देती है। मार्केट में हम देखते हैं 2 तरह की दालचीनी आती है, एक पतले छिलके वाली, एक मोटे छिलके वाली। जो पतले छिलके वाली होती है, पतले घुमाव वाली होती है, वो ज़्यादा फायदेमंद होती है, वो श्रीलंका से आती है, कैशिया होती है, और जो मोटे छिलके वाली होती है वह चाइना से आती है। उसमें इतने औषधीय गुण नहीं होते मोटे छिलके वाली, उसका स्वाद भी थोड़ा सा ज़्यादा तीखा होता है, पतले छिलके वाली थोड़ा मिठास लिए हुए होती है। जो पतले छिलके वाली दालचीनी होती है मोस्टली श्रीलंका से आती है और उसमें औषधीय गुण काफ़ी होते हैं। तो अगर आप मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेना चाहते हैं तो आप पतले छिलके वाली जो दालचीनी है उसका प्रयोग करें वेट लॉस के लिए या शुगर को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप दालचीनी लेते हैं तो पतले छिलके वाली दालचीनी का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा फायदा देती है। दालचीनी का स्वभाव गर्म होता है, इसलिए जिनके शरीर में गर्मी ज़्यादा है, पित्त प्रकृति है, महिलाओं में जिनको मेंसेस ज़्यादा आते हैं उनको इसका सावधानी से प्रयोग करना चाहिए।
शुगर के मरीजों को भी अपना ब्लड शुगर लेवल लगातार इसके इस्तेमाल के समय चेक कराते रहना चाहिए। अगर आप कोई हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहे हैं, बीपी ज़्यादा रहता है, उसकी दवाएं ले रहे हैं, तो आपको इसके लेते समय डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। इसका अगर आप पाउडर बनाकर लेते रखते हैं तो 2-3 महीने से ज़्यादा उसका इस्तेमाल ना करो, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है। इसमें वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो कि धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। डायरेक्ट सनलाइट और एयर टाइट वेसल में ही इसको रखें, सनलाइट से भी इसको थोड़ा सा दूर रखें ताकि वोलेटाइल ऑयल्स इसमें ज़्यादा समय तक बने रहे, और एयर टाइट वेसल्स में रखें ताकि इसके औषधीय गुण बने रहें। अगर इसकी मात्रा का हम बात करें तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो कि 30-35 साल का है, उसके लिए 2.5 से 3 ग्राम तक की मात्रा में इस्तेमाल करी जा सकती है। अगर आपकी एज कम है या आपके शरीर का वजन 70-75 किलो से कम है तो आप अपनी मात्रा भी कम कर सकते हैं। अगर आपकी पित्तज प्रकृति है तो आप इसका इस्तेमाल कम मात्रा में करें। वात और कफ प्रकृति वाले इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग अलग अलग रूप में किया जा सकता है। इसका पाउडर बना लें आप, दाल के अंदर, लड्डू के अंदर या सलाद के ऊपर स्प्रिंकल करके रायते में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके इतने फ़ायदे भी हैं, साथ में सावधानियों के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली जो आप है कैशिया प्रजाति वाली जो है, अगर वो लेते हैं लंबे समय तक, उसके कारण कई बार लीवर टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, जो चाइना वाली मोटे उस वाली आती है दालचीनी, तो इसलिए आप पतले छिलके वाली दालचीनी लें, वो औषधीय गुणों से ज़्यादा भरी हुई होती है, और बीच में आप 1.5-2 महीने बाद एक बार गैप जरूर कर दें। तो उम्मीद है हमारी आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच पाएँ। अगर आपके मन में कोई शंका हो आप हमसे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।